नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह एक दिवसीय यात्रा के तहत महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। वो शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने किया। पुणे पहुंचने के बाद पीएम मोदी श्रीमंत डगड़ू शेठ हलवाई मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री कार्यालय से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए आज नजर आए हैं। इसके अलावा बयान के मुताबिक पीएम मोदी को एक कार्यक्रम में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा रहा है, जहां वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी नेता शरद पवार के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 41वें प्राप्तकर्ता बन जाएंगे। पूर्व प्राप्तकर्ताओं में शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एनआर नारायण मूर्ति और ई श्रीधन जैसे दिग्गज शामिल हैं। पीएमओ के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। ये तस्वीरें आज के पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर मंदिर में जाकर पहले पूजा अर्चना की है, उसके बाद विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा गया था। आगे बढ़ते रख करेंगे कुछ और खबरों का। झांसी में खंडेराव गेट स्थित लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में नियुद्ध स्कूल यूथ गेम्स और फिजिकल एजुकेशन काउंसलिंग द्वारा आयोजित प्रथम स्कूल यूथ गेम्स 2023 का समापन हुआ है। मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने विजय रहे खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इसके बाद डॉक्टर संदीप सरावगी और अतिथि संजय पटवारी, कपिल गर्ग, सचिव झांसी ओलंपिक संघ गजानन खालनकर ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। दीप प्रज्वलन के पश्चात नियुद्ध स्कूल गेम और फिजिकल एजुकेशन काउंसलिंग के पदाधिकारियों द्वारा समाज सेवी और जो भी वहां पर मौजूद थे लोग, उनका स्वागत किया गया है। इसके बाद जीते गए खिलाड़ियों को ट्रॉफी मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कराटे में मॉडर्न मार्शल आर्ट्स, ट्राइकॉन्डो में पुलिस मॉडर्न स्कूल, कबड्डी से अल्पाइन पब्लिक स्कूल, वॉलीबॉल से सेंटर सेफर स्कूल, सिबारवारी चैंपियन रहे। जीते गए खिलाड़ी आगामी नवम्बर महीने में होने वाले बुंदेलखंड का यूथ गेम्स में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर संदीप ने कहा कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल हमारे शारीरिक के साथ मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति होती है, खेल इस तनाव को दूर करने को बेहतर माध्यम है। हमारे देश में खेलों को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती जितनी शिक्षा को दी जाती है। जिस तरह दिमाग का सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, लेकिन खेल ये संभव है। झांसी मऊरानीपुर राष्ट्रीय हित में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन मऊरानीपुर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है। मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, हिंसा का हत्या के साथ गोरखपुर में दलित व्यक्ति के साथ दरिंदगी, हत्या जैसी अन्य राज्यों में आपराधिक घटनाएं राष्ट्रीय स्तर को शर्म का विषय है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आरोपियों को फास्ट ट्रैक न्याय व्यवस्था द्वारा कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि संपूर्ण देश में महंगाई, पेट्रोल डीजल ऐसी अनेक समस्याओं पर महंगाई है। वहीं उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मऊरानीपुर तहसील में अंबेडकर पार्क के लिए असुरक्षित जमीन को सुरक्षित करने और अन्य समस्याओं के निस्तारण करने के संबंध में उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर से न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने रेगुलर कुलपति की मांग उठाई है। पूर्व कुलपति डॉक्टर तारिक मंसूर के इस्तीफा देने के बाद से पिछले 4 महीने से मोहम्मद गुलरेज कार्यवाहक कुलपति का काम देख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि स्थायी कुलपति नहीं होने से विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि रेगुलर कुलपति के नहीं होने से एमयू कर्मचारियों की भी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि कुलपति पद के लिए वो खुद भी कैंडिडेट हैं, इसलिए उन्हें कुलपति की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। छात्रों ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जनरल सिलेक्शन कमेटी भी समय से नहीं हो पा रही है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा है। एमयू छात्र सलमान गौरी ने बताया कि हमारा प्रदर्शन करने का मकसद था कि मौजूदा वाइस चांसलर कार्यवाहक कुलपति हैं। हम लोगों को जरूरत स्थायी कुलपति की है, जो सिलेक्शन कमेटी और एमयू कर्मचारी की समस्याओं को सुन सके। 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन कुलपति के लिए अभी इलेक्शन नहीं
करवा पा रहे हैं। सलमान ने कार्यवाहक कुलपति से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द कुलपति का चुनाव कराया जाए। मौजूदा वाइस चांसलर कभी कोर्ट मेंबर और कभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम पर चुनाव में देरी कर रहे हैं। छात्रों की डिमांड है कि वाइस चांसलर का इलेक्शन जल्दी कराया जाए। सलमान ने कहा कि एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है, अगर कुलपति इलेक्शन की कवायद नहीं होती तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन भी किया जाएगा। डिमांड ये है कि जो अभी मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, ये अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। चार महीने मुस्तकिल गुजर चुके हैं और ये गुजरने के बाद अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग परेशान हाल हैं कि सिलेक्शन कमेटी बैठेगी। सबसे बड़ा मुद्दा भी हम लोगों के सामने जो था, जैसे उर्दू की पीएचडी की सीट नहीं आई, अगर मौजूदा वाइस चांसलर एक्टिंग नहीं होता, परमानेंट होता, तो हम सबके सामने सॉल्यूशन था कि जल्दी से वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी बैठती, उसके बाद ये देखिए ना कोई डिमांड है ना कोई मेमोरेंडम है। चंद लड़के यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के इंतखाब का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, और उन्होंने ये लेटर जो है दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इसको हम भिजवा देंगे। वही झांसी के कस्बा गरौट में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि गरौट शिवाश्रम से बुंदेलखंड की गंगा कहे जाने वाली बेतवा नदी हिरण्यकश्यप की नगरी एरेस्ट से जल भरकर सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया डीजे पर सरकते हुए गरौट नगर में पहुंचे, जिसकी अगुवाई नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने की। वहीं फायर ब्रिगेड गाड़ी के द्वारा पानी की बरसात की गई क्योंकि कांवड़ियों को धूप से दिक्कत ना हो। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया गया। गरौट लखेरी तट पर पहुंचकर शिवाश्रम पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश मिश्रा, एडवोकेट शिवनारायण शर्मा, अनिल सोनी, राममोहन दुबे, वहीं राठौर, अनिल रिछारिया, संतोष किड़ा, समाज सेवक पाठक विद्या प्रसाद गुप्ता, हजारों की संख्या में लोग मौजूद नजर आए। हरदोई जिले की सादी पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो संदिग्ध अवस्था में सराफा मार्केट में टहलते हुए नजर आए। संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवकों से तलाशी में नाजायज तमंचे बरामद होने के बाद जब पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो दोनों युवक शातिर चोर निकले, जिनके कब्जे से पुलिस ने आधा दर्जन चोरियों की कीमती सामान बरामद किए हैं। ज्यादातर इन चोरों ने चोरी की वारदात सराफा कारोबारियों से की है। ये छोटे छोटे कस्बों की छोटी छोटी सराफा की दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं। दोनों के पास दो तमंचे, जिंदा कारतूस, बरामद बच्चों के अकड़े, बीछिया, पायल, घुंघरू, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अलावा बाइक भी बरामद की गई है। इनमें से अधिकांश ज्वेलरी सरफा कारोबारी के यहाँ की है जो उन्होंने अपने अपने शोरूम में लगा रखी थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आउट जो की बढ़ती हुई चोरियों के दृष्टिगत चलाया गया था, इसमें विगत में भी काफी खुलासे हुए हैं, कई चोर पकड़े गए हैं। इसी क्रम में थाना सांडी द्वारा इसमें दो चोर गिरफ्तार किए हैं जो थाना सवाईजपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा विगत में जनपद में हुई लगभग 5 चोरियों का जुर्म स्वीकार किया गया। वो इनके निशादेही पर भारी संख्या में सफेद धातु, पीली धातु व आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद की गई, दो अवैध असलहे बरामद किए गए। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना अंतर्गत एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है, जहां झोपड़ी में सो रहे दिव्यांग को जलाकर मार दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा गांव के प्रधान पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। मंगलौर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक की खोजबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जल पुलिस और गोताखोरों की मदद से मंगलौर गंगनहर में युवक को काफी तलाश की, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। पीड़ित के पिता ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने गांव के ही युवकों पर बेटे को गंगनहर में धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि 22 साल के विशु की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि उसे गंगनहर में डूबते हुए देखा गया। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। जल पुलिस की मदद से गंगनहर में युवक की तलाश भी लगातार जारी है। ये मेरा लड़का जो है विशु कुमार, उम्र करीब ऐसी होगी 22-23 वर्ष। ये 28 तारीख में लगभग 5:30 बजे करीब इसको 3-4 लड़के दुकान पर से बुला कर लाए और इनमें पता नहीं नोक जो क्या हुई कि वहाँ से लोगों ने बताया कि वहाँ से नहर के पुल से उसे यहाँ धक्का दे दिया। कुछ लोग थे यहाँ से जो नज़रपुरे के बचाने के लिए कूदे, लेकिन वो जब तक वो बचाते तो वो डूब चुका था। और कुछ लोगों को पुलिस में शक के आधार में पकड़ के भी लाई थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि वे नहीं थे, लेकिन लोग आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि वे यहाँ थे। राज्यपाल द्वारा जो है
अपने बच्चे के गायब होने की सूचना जो है चौकी उस पर दी है मंगलौर में, उसे प्रॉपर जांच की जा रही है, गुमशुदगी दर्ज की गई है और सर्च कराया जा रहा है, जहाँ नहर वगैरह में बताया जा रहा है डूबने का, उस जगह सर्च करवाया जा रहा है द्वारा। अब तक कोई डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। कानपुर चकेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बीती 25 जुलाई की देर रात को कानपुर के शिवकटरा इलाके में एक जनरल स्टोर में देर रात एक चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, चोरी की सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। रविवार की शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर चोर को केडीए चौराहे से गिरफ्तार किया है। वहीं डीसीपी पूर्वी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पकड़े गए चोर का नाम मोहम्मद विकी है, जो मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है। कानपुर में वो नौबस्ता में अपने ननिहाल में रहता था। इस चोर की सबसे खास बात यह है कि सारी घटनाओं को अकेले ही अंजाम देता था। दिन में रेकी करता था और रात को फायदा उठाकर घटना को अंजाम देता था। उसने चोरी के साथ साथ और भी चोरियां कबूल की हैं। पीड़ित दुकानदार ने 4,50,000 रुपए की चोरी रिपोर्ट लिखवाई थी, जबकि शातिर चोर ने बताया कि उसे 3,30,000 रुपए और एक सोने की चेन मिली थी। फिलहाल पुलिस ने शातिर चोर के पास से 3,24,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। इस खुलासे से प्रभावित होकर पुलिस कमिश्नर ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं चोर को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। अभी 25 तारीख की रात में एक जनरल स्टोर में थाना चकेरी के अंतर्गत चोरी हुई थी, तो सीसीटीवी फुटेज में एक चोर दिख रहा था, उसमें उसकी पहचान करके उसको पकड़ा गया है कल रात में, और उसके पास से 3,24,000 रुपये नकद और अन्य सामान बरामद हुआ है। यद्यपि मुकदमे में 4,50,000 रुपये लिखाया गया था, लेकिन इसका कहना है कि 3,30,000 की चोरी हुई थी। झांसी में परिवहन विभाग झांसी द्वारा 17 से 31 तारीख तक आयोजित सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुरामछिया के समन्वय से सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन समारोह का आयोजन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निधि बंसल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी यातायात राजेश राय, यातायात प्रभारी जगदंगा प्रसाद दुबे, विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रार अखिलेश मिश्रा, हेमचंद गौतम, सुरेश अग्रवाल, यात्री कर अधिकारी अनूप यादव, जावेद खान, तमाम लोग मौजूद नजर आए। साथ ही साथ समापन समारोह में स्कूल की छात्र छात्राओं और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सड़क सुरक्षा के विषय पर जागरूकता प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। वहीं कासगंज जिले में बैलगाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। खेत पर चारा लेने जा रही मां सहित चार बच्चियां गंगा के पानी में डूब गई। 13 वर्षीय बालिका मस्जिदा के पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पीछे बैलगाड़ी से आ रहे शहजाद नाम के युवक ने चार को डूबने से बचाया। मां सहित तीन बालिकाओं को पानी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मां सहित तीनों बालिकाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दो बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम। थाना सिकंदरापुर वैश्य क्षेत्र के गंगा पार नगला का ये पूरा मामला है। मथुरा वृंदावन के वृद्धाश्रम में तीन महिलाओं की संदिग्ध प्रसूति में मौत हो गई। 20 की हालत गंभीर है। चर्चा है कि दूषित खाने और पानी की वजह से महिलाओं की मौत हुई। वृंदावन के नगला रामताल इलाके में वृद्धाश्रम में 3 दिन में 3 वृद्ध महिलाओं की संदिग्ध प्रसूति में मौत से हड़कंप मच गया। आश्रम की अन्य 20 महिलाओं की तबीयत खराब है। इनको सौश्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनत इलाके में कृष्णा कुटीर के नाम से वृद्धाश्रम संचालित है। इनमें 242 महिलाएं रहती हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर महिलाओं की मौत कैसे हुई है। खाद्य विभाग ने खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जी डॉक्टर साहब, कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन में माताओं के बीमार होने की घटना हुई है। कितनी माताएं बीमार हुई और किस तरह से क्या बीमारियां रही उनकी? देखिए, यहाँ जो कृष्णा कुटीर आश्रम है, यहाँ ज़्यादातर वृद्ध माताएँ रहती हैं। चूँकि बरसात का मौसम है और इस समय चूँकि यमुना नदी में पानी आया हुआ है, सारे क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। चना मटर का समर्थन मूल्य न मिलने से किसान सड़कों पर उतर गए हैं। बारिश और बुआई न होने से परेशान एसडीएम की चौखट पर पहुंचे हैं। 3 सूत्रीय मांग को लेकर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। सदर कोतवाली के तहसील प्रांगण का ये पूरा मामला है। महुआ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वही श्रावस्ती में युवक ने राप्ती नदी में छलांग लगाई है। पारिवारिक विवाद के चलते युवक के नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई जा रही है। बकाल पुल पर बाइक, चप्पल और पर्स छोड़कर नदी में छलांग लगाई। राहगीरों ने लावारिस बाइक, चप्पल, पर्स पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने पर्स में रखे दस्तावेज पर युवक की शिनाख्त की है।
थाना सिरियासा के भरथरा रोशनगढ़ निवासी बताया जा रहा है। 33 वर्षीय युवक पुलिस और गोताखोरों की टीम नदी में युवक की तलाश कर रही है। भिंगा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भिंगा बहराइच मार्ग के बखला पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दानिश खान ने स्टिक शूटिंग चैंपियनशिप में सटीक निशाने लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस साल आयोजित हुई विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में डॉक्टर दानिश खान का ये चौथा गोल्ड मेडल है। डॉक्टर दानिश खान ने निशानेबाजी में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाकर जनपद को गौरवान्वित किया है। करण सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद दिल्ली में हाजी अली प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में ज्ञानवापी को मस्जिद न कहे जाने पर जोर दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में त्रिशूल बने होने की बात कही। मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीतिक दलों के नेताओं की राय अलग है। हालांकि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मामला भले ही न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन हिंदुओं की आस्था का सवाल है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के मामले मुख्यमंत्री के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में वो मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन भी करते हैं। झांसी में सोमवार को सड़क हादसे में रसखान कंपनी के मालिक अनिल सूरी की मौत हो गई। वो दुकानदारों से पेमेंट लेने गए थे। रास्ते में शिवपुरी रोड से ग्वालियर बाईपास पर उनकी सूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना पर सदर विधायक रवि शर्मा समेत कई व्यापारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनिल सूरी पुत्र कृष्णलाल सूरी ग्वालियर रोड पर गणेश विहार कॉलोनी में रहते थे। उनकी बाबूलाल कारखाना के पास रसखान नाम की कंपनी है जहां टमाटर सॉस अचार समेत अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। परिजनों के मुताबिक अनिल सूरी सोमवार को दुकानदार से पेमेंट लेने के लिए निकले थे तभी यह हादसा हो गया। हरदोई में एक बार फिर एक सप्ताह के अंदर तीसरी जगह टडियावा इलाके में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने चांदी के पेड़ से लटक कर जान दे दी। वहां परिजनों ने शादी में बाधा बनने पर जान देने की चर्चा है। सूचना मिलते ही दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ हरियावा और एसपी पश्चिमी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। टडियावा थाना क्षेत्र के देभिया फतेहपुर गांव में एक नाबालिग प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिला जो एक ही गांव के निवासी और काफी समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे। परिजनों की शादी में बाधा बनने पर एक ही पेड़ से लटक कर दोनों ने जान दे दी। ये ग्राम दिव्या फतेहपुर थाना क्षेत्र टड़ियावा में दो प्रेमी युगल ने चिलबिल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और इसमें परिजनों से तहरीपात प्राप्त करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो बाद ही इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और में इस समय सबसे ज्यादा आई फ्लू के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंखों की बीमारी को लेकर सजगता देखने को मिल रही है। औरैया पचासैया जिला अस्पताल में आंखों की बीमारियों के बड़े मरीज पहुंच रहे हैं जहां नेत्र विशेषज्ञों के अलग से आंखों के बीमार मरीजों को देखा जा रहा है। वहीं नेत्र विशेषज्ञ के पास आंखों के मरीजों की भीड़ लग गई। वहीं आई ड्रॉप और दवाइयां भी दिलाई जा रही हैं। आई फ्लू होने के कारण बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स द्वारा इससे बचने का उपाय भी बताए जा रहे हैं। वहीं मरीजों से जब आई फ्लू को लेकर बात की गई तो बताया गया कि आंखों में दर्द और आंखों का लाल होना काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। जनपद में पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में कहीं आई फ्लू के मरीज बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं तो जनपद में आपने क्या क्या उनके लिए व्यवस्था की है? देखिए पिछले कुछ दिनों से आंखों की जो बीमारी है इसको अंग्रेजी में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, सामान्य भाषा में कह देते हैं आंख दुखना। बरेली में कुछ दिनों से सरगर्मी का माहौल बना हुआ है। बरेली में कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कभी कावड़ियों पर हो रही लाठीचार्ज। इसको लेकर बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी को बरेली से हटाकर पीएचसी लखनऊ भेज दिया गया है। सीतापुर से एसपी रहे घुले सुशील चंद्रभान को बरेली का एसएसपी नियुक्त कर दिया गया है। नवनियुक्त बरेली एसएसपी द्वारा पत्रकारों से प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने जनता की समस्याओं की सुनवाई और अधिकारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से शहर में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पहले ही दिन बरेली केंद्रीय कारागार और बरेली के विवादित नेत्र नूरी मस्जिद क्षेत्र का भ्रमण किया और घटना का पूरा जायजा लिया है। पीलीभीत में कांवड़ी के थप्पड़ मारने का ग्रामीणों पर आरोप लगा है। भारी संख्या में गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कार्रवाई को लेकर कई घंटों तक हंगामा होता रहा। जिले में कांवड़ियों के थप्पड़ मारने के आरोप की दूसरी घटना सामने आई है। पुलिस ने चार नामजद और एक अज्ञात सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया है। कोतवाली दियोरी कला इलाके के धुरीपट्टी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। एटा में कुएं में भैंस गिर गई, जिसको निकालते समय कुएं की मिट्टी भी ढह गई है और कहीं ना कहीं मिट्टी ढहने से भैंस निकालने गए तीनों लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने पीड़ित परिवार को दिलासा देकर कहा कि सभी को सकुशल निकालने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जेसीबी से लगाकर मिट्टी हटाने और सैकड़ों ग्रामीणों से श्रमदान कर तीनों लोगों दबे को बाहर निकाला गया। तीन लोगों के सकुशल बाहर आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। एम्बुलेंस से तीनों घायलों को अलीगंज सीएससी पर भर्ती कराया गया। पूरी राहत बचाव कार्य की निगरानी अलीगंज के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने खुद मौके पर पहुंचकर कराई है। एटा जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। महाराजगंज के सर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिसवनिया गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। जनपद के सिंदूरिया थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुर गांव निवासी रेखा गुप्ता की शादी सर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिसवनिया गांव में धीरे से हुई थी। मृतक रेखा गुप्ता की मां ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने और इसी बात से नाराज होकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवविवाहिता रेखा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लड़की पटिया कहाँ से कहाँ शादी भाई वाला लड़की सोनिया शादी भाई शादी कब भाई भैया और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।